नमस्कार, स्वागत है आपका टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, सीएससी का न्यू रजिस्ट्रेशन मैं आज करने जा रहा हूं और इस प्रोसेस को किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने ये जो फर्स्ट लिंक आएगा register.csc.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके पास सीएससी रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड नजर आएगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में सीएससी वीएलई चूज करना है आपको। तो आपके पास यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन आता है। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए टीईसी सर्टिफिकेट नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक दिया गया है जहाँ से टीईसी लिया जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है और यहाँ पे एक अटेंशन, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है। मार्केट में और भी टीईसी के नाम से वेबसाइट चल रही है जो की बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है। तो इसीलिए जो भी टीईसी जनरेट हो रहा है, अगर आप अपनी सीएससी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको अब एक नया प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बिना इस प्रोसेस का आपका टीईसी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसी वेबसाइट पे जाके टीईसी के लिए फीस पे करना है। फेक वेबसाइट की वजह से अब आपको एक नया प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसे, हम चलिए यहाँ से कट कर देते हैं। जैसे आप टीईसी में अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे लॉग इन विथ अस, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये अपनी डिटेल देनी होती है। ये डिटेल देने के बाद यहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड करना होता है, सबमिट करना होता है। 1480 रुपए का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है, तब जाके आपको टीसी प्राप्त होगा। देन उसके बाद से यहीं पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे टीसी नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं, आपका टीसी का अकाउंट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाता है, यहाँ पे असेसमेंट है, देन उसके बाद से नीचे फाइनल एग्जाम देना होता है। ये सब कुछ वीडियो में हमने बताया हुआ है, एग्जाम से रिलेटेड कैसे आपको क्लियर करना है। बाकी आपको एग्जाम अगर क्लियर करना है तो हमने एक अपना कोर्स बनाया हुआ है, आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, काफी कम प्राइस है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको मिल भी जाएगा तब भी आप सीएससी रजिस्ट्रेशन अगर आप यहाँ पे करने आते हैं और टीईसी नंबर डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद और इस कैप्चा को फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज शो होगा, प्रोवाइडेड टीईसी सर्टिफिकेट नंबर इज नॉट वैलिड। तो ऐसा इसलिए आ रहा है गाइस, देखिए मार्केट में जो फ्रॉड वेबसाइट चल रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि मार्केट में फेक वेबसाइट चल रही है, वहां पे आप पेमेंट नहीं कर देना, ठीक है। इसीलिए इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो भी आप यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसकी डिटेल आपको ईमेल करनी होती है इस टीईसी की ऑफिशियल ईमेल पे। यहाँ पे आने के बाद कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं, ये ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको ईमेल करना होता है, ठीक है। ईमेल क्या करना होता है, देखिए मैं बता दूं, अपने टीईसी आईडी को वैलिड करवाना होता है। हेलो सर, प्लीज हेल्प मी शोइंग दिस एरर, प्रोवाइडेड टीईसी सर्टिफिकेट नंबर इज नॉट वैलिड। देन उसके बाद से ये मैटर लिख दीजिएगा, जो ये एरर आ रहा है उस एरर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है और जो फाइनल एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिया है, सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका है, दोनों फोटो को यहाँ पे अटैच कर देना है, देन उसके बाद से सेंड कर देना, ठीक है। जैसे आप सेंड करेंगे 24 घंटे में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब आप अपना सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे टीसी नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और इस कैप्चर को फिल करेंगे, देन उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन अब हो जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे चला गया है। टीसी रजिस्ट्रेशन में जो आपने ईमेल दिया था उस ईमेल को यहाँ पे टाइप कर देना है और इस कैप्चर को फिल करना है। तो हमने ओटीपी टाइप कर लिया है, फाइनली सबमिट करेंगे। ईमेल पे ओटीपी जाएगा, जो हमारा ईमेल है सीएससी डीआईडी करके आ रहा है ओटीपी, ठीक है, 299312, और इस कैप्चर को फिल करेंगे एंड सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, जो पुराना वाला प्रोसेस है वही यहाँ पे अभी मुझे नजर आ रहा है। कुछ इसमें नया प्रोसेस अभी तो मुझे दिखा नहीं है, जिस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन होता था उसी तरीके से अभी तक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, मेल फीमेल या ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे स्टेट चूज करना है, जो भी स्टेट होगा, इनका बिहार स्टेट है, एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, एंड ये गाँव रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ओटीपी वाला ऑप्शन ये चूज करेंगे ऑथेंटिकेशन टाइप में, और यहाँ पे इस कैप्चर को फिल करना होता है, देन इसके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्रीड करना होता है। सीधे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक है तो यहाँ पे टिक रहने देंगे, अगर नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, ओके। मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक और ओटीपी जाएगा और यहाँ पे आपके पास 14.5 मिनट का टाइम होता है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना इमेज यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। आपका ये ईमेल, मोबाइल नंबर और टीसी नंबर यहाँ पे आ जाता है ऊपर। यहाँ पे आपको क्योस्क नेम में अपने दुकान का यानी शॉप का जो भी नाम होता है वो यहाँ पे टाइप करेंगे,
स्ट्रीट में अपना जो प्रॉपर आपका एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। चलिए पहले हम इमेज को ब्राउज कर लेते हैं। ये हमारा इमेज है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अदर जो टेक सपोर्ट चाहिए ओनली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। जब तक अपने क्यूज के नेम बताते हैं तब तक हम अपनी डिटेल ये फिल कर लेते हैं। जहाँ पे आप एग्जैक्ट रहते हैं वहाँ का नाम यहाँ पे लिख देंगे और ब्लॉक का नाम लिख देंगे। आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड आएगा ऑलरेडी पहले से ही। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे इनका। यहाँ पे देन यहाँ पे पंचायत चूज करेंगे ये, ओके। देन यहाँ पे विलेज चूज करेंगे, ओके। पिन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम टाइप कर देंगे। आप सीधे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करेंगे। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत से लोगों का जो रिजेक्ट होता है वो इसी वजह से होता है। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने मैप को मिलाएंगे अपने प्रेजेंट एड्रेस से। तो देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा, तो और जूम करेंगे तो आपका ये ब्लॉक नजर आएगा जहाँ पे ये रहते हैं, जो इनका मेन गाँव है वहां में ले जाके छोड़ूंगा। थोड़ा हम यहाँ सेंटर का नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्यूज़ के नेम अच्छे तरीके से लिख दिया है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होता है। तो जब भी आप यहाँ पे नाम देंगे सोच समझ के एक ही बार टाइप कीजिए। हम यहाँ पे ब्लॉक में आ चुके हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुका है जहाँ पे इन्हें शॉप ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली स्क्रोल अप करेंगे, पैन कार्ड डिटेल में अपना इंडिविजुअल चूज करना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओके। पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन यहाँ पे सेविंग अकाउंट डिटेल में आपको सेविंग चूज करना है। अगर आपका करंट है तो करंट अकाउंट चूज कर सकते हैं। आपको IFSC कोड अकाउंट नंबर टाइप करना है और चेकबुक को ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये चेकबुक है इसको अपलोड कर देंगे। चेकबुक का साइज है वो आप 50-60 KB का बना सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम अकाउंट डिटेल को भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालेंगे और ध्यान रहे अकाउंट डिटेल जब भी आप डालें आप अपने अकाउंट नंबर को एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड चूज करेंगे और इसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसका जो साइज है वो भी 80 KB यानी 60-70 KB में होना चाहिए। तो ये आधार कार्ड है इसको चूज करेंगे। अब हमारा ये सारा फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है। फाइनली एक बार हम ऊपर से नीचे तक इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कुछ हमारा गलत तो नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम फाइनली नीचे चलेंगे और यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एग्रीड करेंगे और फाइनली सबमिट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का एक आपके पास मैसेज आता है, देन यहाँ पे ये प्रिंट आउट आ जाता है। ये सारे डिटेल है CSC रजिस्ट्रेशन का। देन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और सेव एज ए PDF वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से CSC में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और फाइनली अब हम यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा अकाउंट अभी भी लॉग इन था। अब आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो फाइनली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। CSC डिट के नाम से रजिस्ट्रेशन नॉलेजमेंट नंबर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा नॉलेजमेंट नंबर है, इसको हम कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे और स्टेटस वाले ऑप्शन में यहाँ पे डालने के बाद इस कैप्चे को फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, यू विल रिसीव द अपडेट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वंस योर एप्लीकेशन इज क्वालिटी चेक। यानी आपका अब एप्लीकेशन यहाँ पे रिव्यू में चला गया है, अब इसको चेक करने के बाद इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे अप्रूव होगा आपके पास ईमेल आ जाएगा और CSC ID भी आपके ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको अपने ईमेल पे ध्यान देना है। CSC ID लेने के और भी तरीके हैं, जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये फ्री वाले ऑप्शन हैं, अगर इनमें से ये आपके पास अगर है FPO, ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग, अगर किसी बैंक का BC आप चलाते हैं तो ये वाला आप चूज कर सकते हैं। और बैंक BC में जो आपने नंबर दिया होगा वो नंबर यहाँ पे टाइप करके और इस कैप्चर को फिल करके सबमिट करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे नए नए अपडेट आए हुए हैं कि जो बैंक BC चलाते हैं वो भी आप CSC ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।